नमस्कार, मैं हूं ऋतुबेश। स्वागत है आपका ऑनलाइन टीवी में और स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम फेस टू फेस में, जहां पर सत्ता होता है, पक्ष होता है, विपक्ष होता है और इसमें सवाल होते हैं, जवाब होते हैं और इन सवालों जवाबों का जो दौर है वो लगातार चलता है। हंगामा भी होता है क्योंकि जब जवाब सामने से आते हैं तो दूसरा पक्ष यहाँ पर उन सवालों को सुन नहीं पाता है, उन जवाबों को सुन नहीं पाता है। और आज जो मुद्दा यहाँ पर है वो दिल्ली हिंसा को लेकर है। दरअसल दिल्ली में जिस तरह की हिंसा हुई है, जिस तरह से हंगामा हुआ और जिस तरह की तस्वीरें लगातार उस हिंसा को लेकर सामने आ रही है वो काफी भयावह। और उस तस्वीर में एक ऐसी तस्वीर, ऐसी एक शख्स ऐसा जो बार बार नजरों के सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है, लेकिन वो है कहां, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। शाहरुख खान, उस शख्स का नाम शाहरुख खान है लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। एक बार खबरें ऐसी भी बीच में आई कि वो गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन पुलिस ने इस बात का खंडन किया और कहा कि जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। 10 टीमें लगाई गई हैं लेकिन सवाल अब भी बरकरार है। कार्यशैली पर, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट ने भी यहां पर कहा कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हुई, इसी को लेकर यह कार्यक्रम। और इसी पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में मेहमान मौजूद है। हमारे साथ विमल सिंह है, बीजेपी के नेता है, साथ ही विनोद सिंह है, कांग्रेस के नेता है, और यही दोनों यहां पर अपना सवाल भी देंगे, यहां पर अपना जवाब भी देंगे और किस तरह से ये फेस टू फेस यहां पर रहने वाला है ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर डाल लेते हैं। शाहरुख द दंगाई, आखिर कहां है शाहरुख? दिल्ली की सड़कों पर जिसने फैलाया आतंक, पुलिस के हाथ उससे क्यों है दूर? कटघरे में पुलिस, इस शख्स को आज हर कोई जानता होगा जिसने दिल्ली का ये हाल। एक शाहरुख वो जो लोगों के दिलों पर राज करता है, लेकिन एक शाहरुख ये जिसने लोगों के अंदर डर को पैदा किया। लेकिन सवाल ये कि आखिर शाहरुख है कहाँ? शाहरुख ना तो अपने घर पर है, ना ही पुलिस की कस्टडी में। इसके अब तक ना पकड़े जाने से पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इस घटना का वीडियो, शाहरुख की तस्वीरें खूब वायरल है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। वो हाथ पर हाथ धरी बैठी है। वहीं शाहरुख के गिरफ्तार होने की खबरें कुछ दिनों पहले सामने आई थी, लेकिन गुरुवार को पुलिस ने इस अफवाह को खारिज कर दिया। वहीं कई खबरें सोशल मीडिया में ऐसी भी सामने आई कि शाहरुख मारा गया, लेकिन ये सब अफवाह है। सच्चाई ये है कि वो पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। शाहरुख परिवार के साथ न्यू उस्मानपुर इलाके में रहता था, लेकिन फिलहाल पूरा परिवार फरार है। दरअसल पुलिस को आशंका थी कि हिंसा में कुख्यात छेनू गैंग का हाथ हो सकता है, लेकिन फिर पुलिस ने बताया कि शाहरुख का पता मशहूर क्रिमिनल इरफान उर्फ छेनू पहलवान का करीबी रिश्तेदार है। शाहरुख का पिता एक ड्रग पेडलर है, जिसे पुलिस ने कई बार ड्रग बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया और वो हमेशा ही पुलिस के निशाने पर रहता है। वही सवाल ये भी कि दिल्ली जैसे शहर में और आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस दिल्ली पुलिस से आखिर कहां चूक, जिसके चलते दिल्ली का हत्यारा आज भी फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो मुद्दा सामने है और इस पर जानते हैं कि आखिरकार पक्ष का क्या कहना है और पक्ष का क्या कहना है। विमल सिंह जी, बीजेपी के नेता, हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। विमल जी, तीन दिन जिस तरह से यहां पर हमने देखा कि दिल्ली की सड़कों में किस तरह की गुंडाई यहां पर हुई और किस तरह से डर का माहौल लोगों में पैदा करने की कोशिश यहां पर की गई, और तीन दिन जिस तरह की कार्यशैली पुलिस की रही है उसको लेकर सवाल उस दौरान भी उठे लेकिन अभी भी बरकरार है कि आखिरकार पुलिस कर क्या रही है। सवाल यहां पर जाना गया, जवाब यहां पर जाना गया कि आखिरकार दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी। बयान दिया गया लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सामने तस्वीरें हैं, सामने वो वीडियो है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। देखिए रितु जी, सबसे पहले तो मैं R9 के माध्यम से जितने लोग ये हिंसा में मारे गए हैं उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना अर्पित कर रहा हूँ, और जो भी लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, यही मैं कामना करता हूँ। ये बार बार पुलिस पे उंगली क्यों उठ रही है? पुलिस ने ऐसा क्या किया है? यही जो है, जामिया यूनिवर्सिटी में अगर पुलिस पहुँच जाती है तो पुलिस के ऊपर अंकुश लगाया जाता है, पुलिस के ऊपर उंगली उठाई जाती है कि पुलिस आखिर यूनिवर्सिटी के अंदर गई कैसे। अगर पत्थरबाज जो है, अगर नकाबपोश, अगर पुलिस के ऊपर जो है
पत्थर बरसाती है। अगर लकाफ बोस हिंसा के अंदर आप देख सकती हैं कि एक गनर है जिसका नाम शाहरुख है, वो उनके ऊपर जो पिस्तौल तान रहा है, फिर भी जो है पुलिस जो है, पुलिस नहीं चाहती थी कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई हिंसा हो, जो भी हो शांतिपूर्वक हो। विमल जी ये बताइए तो पुलिस किस लिए है? इंडिया पुलिस अगर एक्शन नहीं लेगी तो एक्शन कौन लेगा? देखिए रितु जी, पुलिस जब एक्शन लेती है, रितु जी जब पुलिस एक्शन लेती है तो यही जो विपक्षी पार्टी वाले लोग हैं, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो उंगली उठाने लगते हैं कि भाई पुलिस एक्शन क्यों ली है, पुलिस क्यों मारी है, नकाबपोश को क्यों मारी है पुलिस, पुलिस पत्थरबाजों को क्यों मार रही है। भाई आपके जो है प्रियंका गांधी जी पहुंच जाती है, गोपाल राय पहुंच जाते हैं कैंपस के अंदर कि भाई पुलिस कैसे अंदर चली गई, पुलिस क्यों मारी है। अगर पुलिस विमल जी अभी तो मुद्दा सामने है ना, ना नकाब पहना है ना कुछ, 8 राउंड फायरिंग की गई है, किस तरह से दहशत का माहौल बनाया वो सामने है। विनोद जी आप जवाब दे दीजिए इन्हें जरा। देखिए जिम्मेदारी लेना चाहिए, अगर मगर और पुलिस और कानून व्यवस्था के ये मजबूर हालात, ये लाचार हालात, ये कमजोर हालात देश और दिल्ली के हित में कतई नहीं है। जो जिम्मेदारी जिसकी है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्री की है, दिल्ली के पुलिस अधिकारियों की है, संवैधानिक है। किसी भी नेता में अगर जन विरोध है तो वहां जाना किसी भी नेता को उसका संविधान ये अधिकार देता है। पुलिस इस बहाने से कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर सकती अपने कर्तव्यों की कि नहीं वहां वो चले जाएंगे तो हम अपना काम नहीं करेंगे। सवाल हमारा यही है, ये जो गृह मंत्री के रूप में गृह मंत्री अमित शाह है, ये जब से कुर्सी पर बैठे हैं तब से पुलिस और वकीलों का संघर्ष हो, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले इनके एबीवीपी के नकाब पोस्ट गुंडे भेजने का और हिंसा करवाने का कार्यक्रम हो, या आज जो दिल्ली जल रही है, ये हमारी छवि को धूमिल करती है। हमारा दिल्ली सिंहासन है देश का, या ऐसा और इस गृह मंत्री की इसका इस्तीफा होना चाहिए। तब तक हालात नहीं सुधरेंगे क्योंकि इसकी राजनीतिक मंशा पर क्वेश्चन मार्क आज से नहीं, 2004 से लगा है, गुजरात से लगा है जब गृह मंत्री के रूप में कार्यरत थे। अगर मोदी जी में जरा भी असर है, उनके प्रभाव गृहमंत्री अमित शाह के ऊपर है और वो देश और दिल्ली की जनता से प्यार करते हैं, तो ऐसे नकारे असफलतम बेकार गृहमंत्री से इस्तीफा लेने चाहिए और दिल्ली में अमन, भाईचारे, सद्भाव, सामाजिक सद्भाव का वातावरण बने, ये प्रयास करना चाहिए। अब मैं आता हूं, देखिए हर जगह इच्छा शक्ति की कमी है। जब खुलेआम अपराधी दिल्ली में, हम क्या उम्मीद कर सकते थे? दिल्ली की पुलिस की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, गैंग और गैंगवार का नाम लिया जा रहा है, यह हमारे लिए शोचनीय विषय है, हमारे परिवारों के लिए, हमारे समाज के लिए कितना गंभीर संकट है। सुरक्षा के वातावरण में ये दिल्ली के साथ हो रहा है तो सुदूर क्षेत्रों में जहां ये स्थिति है, जहां ये लॉ एंड ऑर्डर की क्या दिल्ली में इस तरह के हालात होने के बावजूद कभी किसी ने नहीं सोचा था इस तरह के हालात अगर दिल्ली देश की राजधानी में होने लगे और वहां पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जाए तो सवाल उठेंगे। विमल जी पुलिस का दुरुपयोग करना बंद करें। देखिए रितु जी ये हमारे भाई साहब, अभी इनको जो है पानी की जरूरत है, पानी पी लीजिए आप। देखिए बात यह है कि उन्होंने बोला कि छात्रों को मारा जा रहा है, एबीवीपी के जो है गुंडे हैं जो कॉलेज के अंदर जाते हैं और छात्रों को मारते हैं। अगर एबीवीपी ने हिंसा कराया होता तो 36 में से 24 जो है छात्र जो है एबीवीपी के जो घायल हुए थे, आप देख सकती हैं। और उसके बाद इनकी जो है वरिष्ठ नेत्री हैं प्रियंका गांधी जी, वो जाती हैं अस्पताल, वहां पे जाती हैं जब जो है जब कंबल दिया जाता है, तो जब अत्याचार होगा, अन्याय होगा, प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी, कंबल उठाने जाता है। संविधान ने अधिकार दिया उनको, छात्र जो है आपको मनमर्जी तानाशाही मनमर्जी नहीं करने देंगे। विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी, आप याद करिए, आप याद करिए 2010 में जब निर्भया कांड हुआ था उस समय आपका पुलिस कहां था? उस समय पुलिस प्रशासन कहां था? उस समय पुलिस सवालों का जवाब अगर आज आपके पास नहीं है तो नैतिक तौर पर इस्तीफा देंगे। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, दिल्ली की आप जो है शाहीन बाग को जो है देखिए जंतर मंतर जो है संवैधानिक जगह है जहाँ पे आप प्रदर्शन कर सकते हैं। जंतर मंतर एक जगह है जहाँ पे संवैधानिक आप प्रदर्शन कर सकते हैं। शाहीन बाग कौन सा जगह है जहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं? शाहीन बाग कौन सा जगह है जहाँ पे ढाई महीने की प्रदर्शन कर रहे हैं? ऐसे आप एक बात बताइए, देश के भविष्य बच्चे छात्र उस रास्ते से जाते हैं, आप राजमार्ग पे बैठे हैं, आपके चेहरे खुल गए हैं, आपके दिग्विजय सिंह, आपके दिग्विजय सिंह आप मुंबई शंकर नगर जाते हैं और वहाँ पे गलत गलत बयान देते हैं, प्रधानमंत्री को जो है कातिल शब्द से बोलते हैं, ऐसे कांग्रेस रहता है। और अगर आप देखती हैं रितु जी, अगर आप देखती हैं आपसे कानून व्यवस्था जैसा भंडाफोड़ हुआ है नहीं समझा जाता है, आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के घर पे पेट्रोल पंप मिला है और उसके सांसद नगरपालिका पर दबाव डालने का काम करते हैं, आप देख सकती हैं आपकी मंशा है। विमल जी कार्रवाई हुई है, देखिए
आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई यहाँ पर कर दी है। ताहिर हुसैन का अगर आप जिक्र कर रहे हैं, विमल जी अगर ताहिर हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, कार्रवाई कर दी गई है। सवाल ये है, प्रियंका गांधी पर ना जाएं, अभी शाहरुख खान का जिक्र कर रहे हैं जिसने दंगा फैलाया है, डर पैदा किया है दिल्ली के लोगों को। वहां जो जिस इलाके में दंगा हुआ है, लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर है। अरे आप ये बताइए ना, गिरफ्तार कब किया जाएगा? विमल जी जवाब हमें ये चाहिए कि गिरफ्तार कब किया जाएगा आखिरकार शाहरुख खान? क्यों इतना वक्त लग रहा है? तस्वीरें सामने हैं, वीडियो सामने हैं, किस चीज पर गवाही कर रहे हैं? पुलिस तलाश कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, वो पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस तलाश नहीं, जैसे ही तलाश होगा कठोर से कठोर सजा दी जाएगी, कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। अपने फायदे के लिए देश को जलाना चाहते हैं, देश में हिंसा का। अरे आप ये बताइए ना कि सीए से क्या दिक्कत है? सीए से दिक्कत क्या है भाई? ये दंगा भारतीय जनता पार्टी मोदी गवर्नमेंट ने जो सीए लाया है, उस सीए से दिक्कत क्या है? कुछ लेना देना नहीं है। जो भारत के जो नागरिक है उनको कोई दिक्कत नहीं है। हम नागरिकता दे रहे हैं, किसी नागरिकता छीन नहीं रहे वाली सरकार है। ये जो है लोगों को इस प्रकार से बलगड़ा दिए हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे कि सीए क्या है। विमल जी मुझे ये बताइए, क्या जेएनयू में जिस तरह से दंगा हुआ था, जो नकाबपोश आए थे उनको गिरफ्तार किया गया? कितना महीना बीत गया है, क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाई जो शाहरुख खान की हो पाएगी? क्या एक्शन लिया गया अब तक? आपने देखा जब पुलिस जांच हुई उसमें पाया गया कि नौ लोग जो है लेफ्ट के थे, नौ लोग लेफ्ट के हैं। कानून के वहां की जो है आयशा घोष, वहां की अध्यक्ष आयशा घोष उसमें शामिल थी। आप देख सकते हैं जब दिल्ली पुलिस ने अपना रिपोर्ट दिया था तो 10 में से 9 के लोग लेफ्ट के थे। पदों पर बैठे हुए लोगों की भाषा है ये, जो हिंसा खुले तौर पर हिंसा को भड़का। अरे हिंसा तो आप करवा रहे हैं ना, आप आम आदमी पार्टी के पार्षद करवा रहे हैं, पार्टी को आप करवा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के लोग करवा रहे हैं। आपके नेता जाते हैं शाहीनबाग, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी जाते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं। आप देखिए ना उसको, कुछ नहीं समझ रहा। आप देखिए ना उसको, आप देखिए उनके ऊपर फेल। जब से गृह मंत्री बने हैं, अब तक के असफलतम और बेकार गृह मंत्री के रूप में इतिहास आने वाली पीढ़ियां अमित शाह को याद करेंगी। देखिए रितु जी, अभी हमारे देश में एक मेहमान आए हुए थे डोनाल्ड ट्रंप जी, तो वहां पे क्या था कि अभी जो है सारा व्यवस्था जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए वहां पे खड़ा किया गया था। इन लोगों का पूरा ये चाल था, ये पूरा कांग्रेस और आम आदमी पार्टियों का चाल था। अगर जो है आपको संख्या तो पता होगी कितने लोगों की बात हुई और आंकड़ा बढ़ सकता है। अभी देखिए रितु जी, मैं बता रहा हूँ, इनका पूरा उस समय सोचा षड्यंत्र था कि जो है इस समय जो है प्रशासन, इस समय पूरे लोग जो है मेहमान के लिए कहाँ थी? अगर उनका षड्यंत्र रचा हुआ था जब दंगाई और हिंसाई प्रवृत्ति के लोग सरकार में आ रहे तो दंगाई कौन करवा रहा है? खुलासा हुआ, आप देख लीजिए उनकी कल का खुलासा हुआ। आम आदमी पार्टी के पार्षद के घर के ऊपर पाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के घर के ऊपर पेट्रोल पंप पाया जा रहा है, वहाँ पे एसिड पंप पाया जा रहा है, वहाँ पे पत्थर पाया जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से मिली भगत थी, नहीं मालूम है यही ये महत्वपूर्ण है। ये अपने विपक्ष का काम अच्छे से नहीं कर पा रहे और ये विपक्ष का काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, ये बस षड्यंत्र रच रहे हैं कि किस तरह जो है सरकार को घेरा जाए, किस तरह सरकार को घेरा जाए, वो विफल हो रहे हैं। क्रोनोलॉजी समझिए, ये हिंसा फैलाएंगे, देश की जनता को धार्मिक ध्रुवीकरण। अरे हिंसा कौन फैला रहा है, वो तो देखने में आ रहा है, लेकिन अब तो दिख रहा है, सामने ही दिख रहा है, सामने दिख रहा है हिंसा कौन फैला रहा है? कांग्रेस का वरिष्ठ नेता वहाँ पे जा रहे हैं शाहीनबाग, आम आदमी पार्टी के घर पे पेट्रोल पंप, आम आदमी पार्टी का जो है नेता, आम आदमी पार्टी का जो नेता है कांग्रेस घर पे मिल रहा है पेट्रोल पंप, मिल रहा है, पत्थरबाजी कर रहे हैं। यानी कि हर एक मुद्दे पर विनोद जी मिल गया मौका यहाँ पर कि किस तरह से अपनी राजनीति चमकाई जाए। मैं बड़ा व्यथित नहीं नहीं आप जिस तरह से कह रहे हैं अभी लग तो ऐसा ही रहा है, मुद्दा कहीं और जा रहा है आप, लेकिन अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, पार्टी के लिए प्रचार आप कर रहे हैं। नहीं, देखिए इतने लोग, 30-30 से ज्यादा लोग, 35-35 लोग खत्म हो जा रहे हैं, ये कितनी भयावह विभत तस्वीर है। हम एक देश के रूप में कैसे सब विशिष्ट सशक्त और कानून के देश वाले रूप में आगे बढ़ेंगे, ये वैश्विक चिंता है, वैश्विक प्रतिष्ठा की चिंता है हर नीतियों के माध्यम से। सवाल है आखिरकार चिंता लेगा कौन? भारत की प्रतिष्ठा को कीजिए, जिस समय आपकी सरकार थी ना, सारे के सारे मंत्री यहाँ तक आपके प्रधानमंत्री, उस समय भी जो है काला साल मनाया जाता है, काला वर्ष मनाया जाता है 2008-2009 में, उस समय का जीडीपी कहां लेके गया था सबको पता है, और इन पर सवाल उठेंगे, उस समय देश की जीडीपी कहां गई थी
जो इनको जिम्मेदारी है जिम्मेदारी यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री खुद उठाएंगे अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह खुद एक और साथी थे और उस समय जीडीपी डाउन पड़ा हुआ फिक्र है जनता के रक्षा सुरक्षा की अरे कितना जनता का फिक्र है जनता के सवालों के लिए लेकिन नहीं मनमानी नहीं करने देंगे अब जनता की नहीं चलने देंगे जनता का जो मेन मुद्दा है उसको लेकर सरकार को नहीं घेर रहे आप जो हिंसा फैलाना चाह रहे हैं आप चाह रहे हैं कि कैसे सरकार को जो है सरकार अगर कोई योजना लाती है कोई नीति लाती है कोई लॉ लाती है सारे दिल्ली वाले सारे पीछा पड़ जाते हैं सारे दिल्ली के जानते भी नहीं कि भाई सीए से क्या जाने वाले बच्चे सीए से क्या प्रॉब्लम आपको तो पता ही नहीं है ये हिंसा का माहौल है ये उम्मीद की थी सीए से क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी हम तो नागरिकता दे रहे हैं आप एक बात बताइए आप जो है अल्पसंख्यक के बारे में सोचते हैं आप पीड़ितों के बारे में सोचते हैं तो एक बात बताइए पीड़ित होता है एक बात बताइए हमको आप जो है बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक है उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं पहला धर्म उसके बारे में सोचिए वो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने का काम होना चाहिए कानून के माध्यम से इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते ना आप तो 2019 में जो है आप चश्मा 200-250 सीट पा जाते सरकार में आने के बाद 2024 में काम आएगा होती है अरे आपने तो पाली विमल जी आपने क्या कर दिया मनमानी मनमर्जी नहीं करने देंगे आपने क्या कर दिया आपने तो पाली देंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जितना अच्छा काम हो रहा है अगर अगर क्या लगता नहीं है कि तीन दिन जिस तरह से दिल्ली जली है जाहिर तौर पर आप पर सवाल उठेंगे आपकी सरकार पर सवाल उठेंगे देखिए रितु जी हम चाहते हैं कि ये जो आप कोई भी देखिए इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है सबका अधिकार है कि सब लोग जो है विरोध कर सकता है सरकार का जो है नीतियों का योजनाओं का विरोध कर सकता है लेकिन इस प्रकार से ये लोग हिंसा का षड्यंत्र बना के रखे थे ये लोग हिंसा का षड्यंत्र बना के रखे थे रितु जी आप देखिए आप जो है यहाँ पे आप देखिए कल का रिपोर्ट आया कल के रिपोर्ट में आया कि ताहिर हुसैन जो है उनके घर के ऊपर जो है पेट्रोल बम और डीजल बम और इसके साथ साथ जो एसिड बम पाया गया पत्थर पाया गया एक आम आदमी पार्टी के पार्षद के घर के अंदर ये कितना शर्मनाक बात है और उसके बाद देखिए शाहीन बाग में अरे आप बता दीजिए बयान जो बीजेपी नेताओं के सामने आए थे जिससे कहीं ना कहीं दंगा भड़का है ये हिंसा हुई है क्या आपकी कार्रवाई हुई है क्या कार्रवाई की क्या कार्रवाई आप तो क्यों नहीं साफ कर रहे देश को गुमराह करना बंद कर दीजिए देखिए आपको नहीं पता है भारतीय जनता पार्टी एक्शन ले रही है अगर कोई भी हो चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी का हो कोई अगर आम आदमी पार्टी का हो कोई कांग्रेस का हो या किसी भी अन्य विपक्षी पार्टी का हो अगर वो गलत है तो उसके ऊपर ठोस से ठोस कदम उठाया जाए मैं ये मांग करूंगा इन सब चीजों से एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के जो हाथ है वो बंधे हुए हैं नहीं होते तो यहाँ पर इस तरह का माहौल या शायद हम इस मुद्दे का जिक्र ही नहीं कर रहे होते रितु जी एक बात बताइए पुलिस जब अपना एक्शन लेती है तो यही लोग आते हैं यही लोग आके कैमरा के सामने रोते हैं यही लोग आके कैमरा के सामने रोते हैं यही लोग बोलते हैं कि भाई पुलिस कैसे मार दी पुलिस ने कारपोषों को कैसे मारी आप देखिए जब से सीए आया है आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के लोग दंगा भड़काने में सबसे पहले संरक्षण देंगे आप देखिए आप सारे दंगाइयों की आप देखिए भाई शंकर अय्यर को ये सबसे पहले जो है ऐसा ऐसा बयान दिया यही हाल होगा देश का सबसे पहले जो है कांग्रेस के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग इस प्रकार का बयान दिए हैं अगर दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है तो फिर ये लोग दिल्ली पुलिस के ऊपर अंकुश लगा रहे नहीं दे रहे हैं अरे आप दिल्ली पुलिस को आप तो नहीं दे रहे हैं ना भाई निष्पक्ष आप उंगली उठा रहे हैं भाई कैसे चली गई दिल्ली पुलिस अंदर कैसे चली गई आप ही कोशिश कर रहे हैं दिल्ली दिल्ली पुलिस को आप ही लगा रहे हैं सरकार लेकिन कुछ तो आप लगा रहे हैं निष्पक्ष होकर काम नहीं करने दे रहे हैं आप राजनीतिक फायदा लेने के लिए मिसयूज कर रहे हैं दिल्ली पुलिस का ये हमारे लिए चिंता की बात है और आप एक बात बताइए आप एक बात बताइए आप एक बात बताइए आप एक बात बताइए विनोद सिंह जी आप गए और हाई कोर्ट ने भी सुनेंगे आप मेरी बात सुनेंगे आप मेरी बात सुनिए एक बात बताइए जिस समय में जामिया में आप जवाब देंगे आप जवाब तो दीजिए भाजपा कांग्रेस आप जवाब ही नहीं देंगे आप अपराधी अपराधी है उसको कानून के माध्यम से सजा मिलाइए क्या किया सुनेंगे तब तो आप सुनिए ना क्या किया एकदम काम कर रहे हैं एकदम कर रहे हैं जितना भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है विगत 6 साल के अंदर आपने तो देश को खोखला कर दिया आपने देश को खोखला कर दिया है 60 सालों में जो है भारत का आपने अर्थ ये हाल कर दिया देश को पूरा खोखला करके छोड़ा है। दर्शक जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं पर जिन्होंने हिंसाई दंगाई बयान दिए उन पर क्या कार्रवाई की एकदम कार्रवाई की गई क्या कार्रवाई की गई कार्रवाई की गई है आपको एकदम कार्रवाई की गई है पार्टी ने उनके ऊपर एक्शन लिया है पार्टी ने उनके ऊपर एक्शन लिया है एकदम एक्शन लिया है उनको बहुत एक्शन लिया आपने आपने मैं बता दो नीचे दर्शकों देखिए बता दो मेरी बात सुनेंगे जानना चाहता आप एक बात बताइए आपने क्या एक बात सुनेंगे आप मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप ये बताइए
जामिया यूनिवर्सिटी में जिस समय दिल्ली पुलिस जो है अंदर जाके नकाबपोशों और पत्थरबाजों को मारी थी, आप ही की जो है प्रियंका गांधी जी, आप ही की राष्ट्रीय महासचिव, क्या आप लोग कार्रवाई इसलिए नहीं करेंगे कि जो विपक्ष है आप पर सवाल उठाएगा? ऐसी तो नहीं दिखती बीजेपी, नहीं आप क्या कार्रवाई इसलिए करने से बचेंगे कि विरोधी सवाल उठाएंगे आप पर? देखिए देखिए, यानी कि लोग मर रहे हैं तो मरने दो, सबसे पहले अगर जो हो रहा है दिल्ली का होने दो, दिलवालों की दिल्ली थी आज जलकर रह गई। रितु जी सबसे पहले बयानबाजी जो है सुनेंगे, विनोद जी आपका जब टाइम आएगा बोलिएगा। मैं इन सबसे पहले जो बयानबाजी स्टार्ट की गई जिस समय जो है जामिया यूनिवर्सिटी में जब ये प्रदर्शन हुआ था, उस समय सबसे पहले अमातुल्ला खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक है उनके द्वारा जो है एक जो है गलत बयान दिया गया था, आपने उसका वीडियो भी देखा था, वीडियो भी जारी हुई थी। दूसरी चीज उसके बाद इन्हीं के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर जो स्टेज पे शाहीनबाग जाते हैं बोलते हैं कि मैं शाहीनबाग के लोगों के साथ खड़ा हूं, मैं उस जगह पे खड़ा हूं, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो एक राजमार्ग को घेर के बैठे हैं, वो राजमार्ग को घेर के बैठे हैं, उस राजमार्ग को घेर के बैठे हैं जिसको 35 लाख लोग डेली उस रास्ते से आने जाना होता है, 35 लाख लोग उस राजमार्ग से डेली दो राज्यों को जोड़ने वाले राजमार्ग, दो राज्यों को उत्तर प्रदेश और दिल्ली को राजमार्ग जोड़ने वाले राजमार्ग पे ढाई महीने से कब्जा करके बैठे हुए, आपको हम देश की जनता पर करंट कब्जा करके बैठे हुए दो महीने से, देंगे लाठी नहीं चलाने देंगे, गोली नहीं चलाने देंगे देश की जनता के ऊपर, देश की जनता के बीच में हम दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे, देश की जनता को सुरक्षित रखेंगे, आपकी मनमर्जी जनता को आप सुरक्षित करिए, लाठी गोली नहीं चलने आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन यह अधिकार नहीं है कि आप किसी राजमार्ग पर बैठेंगे और ढाई महीने से वहीं पे आपने किला काम की लड़ाई लड़ रही है। अरे आप बच्चों के बारे में सोचिए ना, बच्चे तो आपके भी होंगे ना विनोद जी, बच्चे तो आपके भी होंगे, अभी जो है सीबीएसई का एग्जाम चल रहा है, अभी सीबीएसई का एग्जाम चल रहा है, बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे छात्र हैं जो दिल्ली से नोएडा जाते हैं उसी रास्ते से जाते हैं, कितने जो है परेशानी उठाते हैं, कल के वो भविष्य है, आपका क्या बिगाड़े हैं, आपका क्या बिगाड़े हैं वो भविष्य के छात्र, आप बताइए छात्र आपका क्या बिगाड़े हैं, गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है, ऐसे नकारे नाकाम असफल, राहुल गांधी कहाँ है, इस्तीफा इटली चले गए क्या राहुल गांधी जी, मांग लिया एक वीडियो नहीं बना सकते हैं क्या, एक हिंसा के लिए शांति की अपील नहीं कर सकते हैं, शांति की अपील नहीं कर सकते, कहाँ है राहुल गांधी जी, आप ये बताइए राहुल गांधी जी को, जहाँ देश की जनता को लाठी गोली और कंठ लगाने, सुनिए ना राहुल गांधी जी कहाँ बताएंगे, हम खड़े हैं राहुल गांधी जी कहाँ बताएंगे, राहुल गांधी के साथ लड़ाई लड़ने के लिए, ये सरकार राहुल गांधी जी कहाँ है बताएंगे, अरे इटली कहीं है राहुल गांधी यही है, इटली गए क्या, इटली गए क्या, अरे गृह मंत्री जी दिल्ली दिख रहे हैं, दिल्ली दिख रहे हैं, आप ये बताइए कि राहुल गांधी कहाँ है भाई, दिल्ली में इतना बड़ा हिंसा हो गया, आप ये बताइए आपके राहुल गांधी कहाँ है, एक वीडियो भी तो बना के जारी करना चाहिए, अपील करना चाहिए, शांति का अपील करना चाहिए, कोई अपील नहीं की गई है, कांग्रेस मंत्री क्यों नहीं घूम रहे हैं, क्यों नहीं संदेश दे रहे, देश पूछना चाहता है, R9 के दर्शक पूछना चाहते हैं, अरे सपनों के प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं, गृह मंत्री सपनों के प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं, ये बताइए जी पोहा खाने में कि वो तो कपड़े से पहचान लेते हैं, पहले ये बताइए प्रधानमंत्री जी ने कपड़े से सपनों के प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं, कपड़े से पहचाना कि नहीं पहचाना, हमारे ड्रीम कराची हलवा खाए कि बांग्लादेशी पोहा खाए, बताइए ना सपनों के प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं, कपड़े से पहचाने अभी क्यों नहीं पहचाने, बताइए ना कहाँ हैं राहुल गांधी जी कहाँ हैं, दिल्ली पुलिस को प्रधानमंत्री, इटली चले गए क्या, अमित शाह जी को घुमाना चाहिए साथ में, इटली चले गए पहचान ले, इटली चले गए क्या, इटली गए हैं नहीं कपड़े से, उनसे बोलिए कि इटली से एक वीडियो जो है जारी कर दे, अरे भाई हिंसा का एक जो है संवेदनशील शांति अपील जो है इटली से भी भेज देंगे, व्हाट्सएप के थ्रू आ जाता है, उनको व्हाट्सएप चलाना नहीं आता है, व्हाट्सएप चलाना नहीं आता है, बोलिए व्हाट्सएप के थ्रू एक वीडियो, दिल्ली जो है दिल्ली के हिंसा पे बात कर रहे हैं, दिल्ली के हिंसा पे बात कर रहे हैं, आपके वरिष्ठ नेता है, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कहाँ है, एक शांति का अपील की है, शांति का अपील करवाइए उनसे, आपके पास राहुल जी सोनिया जी प्रियंका भाई, आपका तो षड्यंत्र है हिंसा करवाना, कुछ नहीं है षड्यंत्र है कांग्रेस के लोग का, आम आदमी पार्टी का, व्यक्तिगत प्रलाप, आम आदमी पार्टी का और जो है कांग्रेस के लोगों का एक षड्यंत्र है, एक मिली भगत जो है षड्यंत्र आप देखने को मिल रहा है, आम आदमी पार्टी के लोग जो है अपने घर पे पेट्रोल बम रखते हैं, आप एसिड बम रखते हैं, पत्थर रखते हैं, और इनके लोग जो है इनके लोग हिंसा के समय पे इटली घूमने जाते हैं, एक वीडियो भी नहीं डाल जारी कर सकते हैं, एक शांति की अपील नहीं कर सकते, इसका मतलब यही है कि कांग्रेस के लोग करवा रहे हैं, अमन चैन देश में, अमन चैन का माहौल रहे इस पर काम करिए, और दिल्ली पुलिस के साथ निकलिए, आप तो कपड़े से पहचान लेते हैं, अब कहाँ है बड़े बड़े जुमले फेंकने के लिए आ जाते हैं, घूमिए ना दिल्ली में, पहचानिए ना,
सुनिए ना, यही गृह मंत्री यही गृह मंत्री जी ने आदेश दिया है, यही गृह मंत्री जी ने आदेश दिया है कि पुलिस पुलिस को पूरा अधिकार दे दिया है कि अगर हिंसा में अगर कोई भी आपको लग रहा है कि आंदोलन है उसको डायरेक्ट गोली मारिए। आइए आइए दिल्ली की जनता के बीच में, दिल्ली के जनता के बीच में, दिल्ली की जनता के बीच में है, हम भी दिल्ली की जनता, हमारे राष्ट्रीय हमारे गृह मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, आपके जो है ड्रीम प्रधानमंत्री जी का है। देर सवेर सही पुलिस को कहीं ना कहीं फ्री हैंड दे दिया गया, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि कहीं पर कुछ भी हो फ्री हैंड यहां पर दे दिया गया है, लेकिन उम्मीद यही पहले भी थी जैसे कि अभी आगे है कि शायद पहले अगर इस तरह की जो एक्शन लेने की ताकत यहां पर पुलिस को दे दी गई होती तो शायद इस तरह का माहौल ना हुआ होता, लेकिन उम्मीद अब भी यहां पर यही है कि जो असल में इस डर को पैदा करने वाला गुनहगार है वो कब गिरफ्तार किया जाएगा, जिसने दिल्ली को यहां पर बदसूरत यहां पर बना दिया है। और कहीं ना कहीं इस पर पूरा देखा जाए तो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार शाहरुख खान की गिरफ्तारी इस पर कब हो पाती है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फेस टू फेस में इतना ही, नमस्कार।